नमस्कार मित्रों, स्वागत है अपनों टेक्निकल टीचर चैनल में। मित्रों, आज आप गुजराती साहित्य टेस्ट 5 की चर्चा करीशू। मित्रों, आ गुजराती साहित्य टेस्ट अपनी आवनारी तमाम परीक्षाओं जेवी के तलाटीनी परीक्षा, बिन सचिवालय क्लार्कनी परीक्षा अने बाकीनी तमाम परीक्षाओं माटे मित्रों खूब ज उपयोगी साबित थशे। तो प्लीज़ आ वीडियो ने शुरुआत थी अंत सुधी जोजो अने जो आप आ चैनल पर नवा हो तो प्लीज़ चैनल ने सब्सक्राइब करो और बाजू में आवेला बेल आइकन पर क्लिक करो, जेथी करीने आवनार एज्युकेशन माहिती छे ए सौथी पहेला आपना सुधी पहोंची रहे ने आप अपनी तैयारी नी अंदर खूब ज वधारो करी शको। तो मित्रों, चालो जोईए गुजराती साहित्य टेस्ट 5। नंबर एक, दुर्गाराम मेहताजी नो जन्म क्या थयो हतो। दुर्गाराम मेहताजी नो जन्म क्या थयो हतो, तो नीचेना चार विकल्पों माथी साचो जवाब छे ए शू आवशे। अहीं साचो जवाब छे विकल्प डी, सूरत। नंबर बे, टीपू सुल्तान नवलकथा कोनी छे। टीपू सुल्तान नवलकथा कोनी छे, साचो जवाब छे विकल्प बी, इच्छाराम देसाई। नंबर त्रण, प्रेम शौर्य उपनाम कोनू छे। प्रेम शौर्य उपनाम कोनू छे, तो मित्रों ये साचो जवाब थशे विकल्प सी, नर्मद शंकर लाल शंकर दवे। नंबर चार, नर्मदे डांडियो नामक पाक्षिक क्यारे शुरू कर्यु हतू। नर्मदे डांडियो नामक पाक्षिक क्यारे शुरू कर्यु हतू, तो ये साचो जवाब थशे विकल्प सी, 1864। नंबर पाँच, सौप्रथम गुजराती शुद्ध पंचांग बनावनार कोण हता। सौप्रथम गुजराती शुद्ध पंचांग बनावनार कोण हता, तो साचो जवाब छे विकल्प बी, इच्छाराम देसाई। नंबर छ, डगलू भर्यू के ना हटवू। डगलू भर्यू के ना हटवू, आ पंक्ति मित्रों कोनी छे, तो मित्रों आ पंक्ति जे छे ए छे विकल्प डी, नर्मदनी। नंबर सात, रोजनीसी कृति कोनी छे। रोजनीसी कृति कोनी छे, साचो जवाब छे विकल्प ए, दुर्गाराम मेहता। नंबर आठ, गुजराती साहित्यनी सौ प्रथम आत्मकथा कई छे। गुजराती साहित्यनी सौ प्रथम आत्मकथा कई छे, तो मित्रों गुजराती साहित्यनी सौ प्रथम आत्मकथा छे विकल्प सी, मारी हकीकत, जे नर्मदे लखेली छे। नंबर नौ, गुजराती साहित्यनु सौ प्रथम चरित्र कयू छे। गुजराती साहित्यनु सौ प्रथम चरित्र कयू छे, तो मित्रों सौथी पहेलू चरित्र जे छे ए छे विकल्प ए, कवि चरित्र, आ पण मित्रों नर्मदे लखेलू। नंबर दस, नर्मद ने प्राणवंतो पूर्वज कोणे कह्या छे। नर्मद ने प्राणवंतो पूर्वज कोणे कह्या छे, तो मित्रों अहीं साचो जवाब छे आवशे विकल्प बी, त्रिभुवनदास लुहार। त्रिभुवनदास लुहारनु मित्रों उपनाम छे सुंदरम। नंबर अग्यार, गुजराती साहित्यनो प्रथम निबंध मंडळी मरवाथी थता लाभ क्यारे लखायो हतो। गुजराती साहित्यनो प्रथम निबंध मंडळी मरवाथी थता लाभ, आ मित्रों क्यारे लखायो हतो, तो साचो जवाब छे विकल्प डी, ईस्वीसन 1851 में। नंबर बार, बाळकोनो आनंद कोनी कृति छे। बाळकोनो आनंद, आ मित्रों कोनी कृति छे, तो साचो जवाब छे विकल्प सी, इच्छाराम देसाई। नंबर तेर, कदम अस्थिर हो एने कदी रस्तो नथी जड़तो। कदम अस्थिर हो एने कदी रस्तो नथी जड़तो, अड़ग मनना मुसाफर ने हिमालय पर नथी नड़तो। मित्रों आ पंक्ति जे छे आ कोनी छे, साचो जवाब छे विकल्प डी, नर्मद। नंबर चौदह, वीरवृत छंदनी शोध कोणे करी हती। वीरवृत छंदनी शोध कोणे करी हती, तो साचो जवाब थशे मित्रों अहींया विकल्प डी, नर्मद, के जेमने महाकाव्यनी रचना माटे वीरवृत छंदनी शोध करी हती। नंबर पंदर, नर्मदे तत्वशोधक सभानी स्थापना क्यारे करी हती। नर्मदे तत्वशोधक सभानी स्थापना क्यारे करी हती, तो मित्रों साचो जवाब छे विकल्प बी, ईस्वीसन 1856 में। नंबर सोळ, सजीवारोपण कोनी कृति छे। सजीवारोपण कोनी कृति छे, साचो जवाब छे विकल्प सी, नर्मद। नंबर सत्तर,
बुद्धिवर्धक सभानी स्थापना कोणे करी हती? बुद्धिवर्धक सभानी स्थापना कोणे करी हती? तो मित्रों अहीं साचो जवाब छे विकल्प सी नर्मद, के जेमने बुद्धिवर्धक सभानी स्थापना ईस्वीसन 1851 नी अंदर मुंबई खाते करी हती। नंबर 18, गुजराती साहित्यनो प्रथम शब्दकोश कयो छे? गुजराती साहित्यनो प्रथम शब्दकोश कयो छे? तो साचो जवाब छे मित्रों अहीं विकल्प डी नर्मकोश, के जे नर्मद द्वारा रचेलो छे। नंबर 19, गद्यना पिता तरीके कोने ओळखवामां आवे छे? गद्यना पिता तरीके कोने ओळखवामां आवे छे? साचो जवाब छे विकल्प बी नर्मद। नंबर 20, नीचेनामांथी कोण अर्वाचीन युगना नथी? नीचेनामांथी कोण अर्वाचीन युगना नथी? साचो जवाब छे विकल्प सी नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता मित्रों भक्ति युगना है।